तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या और कोरोना वायरस कहाँ से आया है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका लक्षण क्या है। कोरोना वायरस चाइना की मीट मार्केट से आया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हो रही है और जोर शोर से इलाज खोजा जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी इलाज मिल नहीं रहा है। पूरा मामला आइए जानते हैं क्या है और कहां से ये वायरस फैला है, इसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और भारत पर इसका खतरा कब तक आने की उम्मीद है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल कलर का बटन है, दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस इंसानों में पहुंचने पर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और लेकिन अलग अलग कंपनियां, अलग अलग मीडिया सोर्स अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसे लेकर अगर दावे दिखे जाएं बड़े बड़े, तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि 2019 दिसंबर माह में कोरोना वायरस चीन के नानवेज मार्केट से पैदा हुआ था। वहां बेचे गए जंगली जानवरों में ये वायरस था और नानवेज खाने वालों तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहले चीन में एक नानवेज मार्केट में आया, जो कि किसी सांप या फिर बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये बताया जाता है कि ये सांप से वायरस आया है, कोई बता रहा है ये इस कीड़े से वायरस आया है, कोई बता रहा है मेढक से आया है, तो अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन सभी मीडिया रिपोर्ट्स अपने अपने दावे पेश कर रही हैं और कोरोना वायरस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन के पड़ोसी देश सिंगापुर किसे छोटे वियतनाम तक पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका सहित कई देशों पर इसने अपना कब्जा कर लिया है और इंग्लैंड में भी ये फैल चुका है। और चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं कि चाइना में क्या अभी चल रहा है, क्या होने वाला है। तो अभी चाइना में फिलहाल तो एयरपोर्ट सर्विस बंद कर दिया गया है, बहुत ही सारा जगह पे नाकाबंदी लगा दिया गया है। तो अभी चाइना का बहुत ही बुरा हाल है। तो और भी आगे देखते रहिए वीडियो को, वीडियो में आपको पता चलेगा कि चाइना अभी क्या कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, सब देखते रहिए। चाइना के बड़े बड़े डॉक्टर क्या कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। यू आर इल, पुट ऑन अ मास्क। इफ यू गो इनटू अ क्राउडेड प्लेस, पुट ऑन अ मास्क इवन इफ यू आर नॉट इल, बिकॉज़ अदर्स मे बी, इवन इफ दे हैव कॉफ एटिकेट और स्नीज एटिकेट, दे मे स्टिल गेट इन टच विद यू। खुदा हुकूमत के कुरा यंग वायरस एक बार Uxan shahridagi baliq bozorida bo'lgan odamlardan yuqqan. So'ng xastalikni yuqtirgan odamlar poytaxt Pekin va Shanxayda ham aniqlandi. Hozirga kelib, Janubiy Koreya, Yaponiya va Tailandda ham yangi virusni yuqtirgan odamlar borligi ma'lum bo'ldi. Tez orada Xitoyda o'z taqvimlari bo'yicha yangi yil nishonlanadi va millionlab odamlar bir joydan ikkinchi joyga bayramni nishonlash uchun borishadi. Bu yanada ko'p virus yuqishiga olib keladi degan xavotirlar bildirilmoqda. Xo'sh, O'zbekiston hukumati virus yuqishi oldini olish maqsadida qanday choralar ko'ryapti? BBC ushbu savolni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayevga berdi. Dünyanın bazı mamlakatlarida ro'y berayotgan bugungi holatdan kelib chiqib, umuman yurtimizda yuqumli kasalliklarni kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bugungi kunda qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Birinchidan, davlat chegarasi kesishgan joylardagi sanitariya karantin punktlaridan o'tayotgan yo'lovchilarni sifatli tibbiy sanitariya ko'rigidan o'tkazishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu bilan birga pnevmoniya va boshqa o'tkir respirator kasalliklari alomatlari bilan aniqlangan bemorlarni alohidalash va shifoxonalarga yotqizish choralari ko'rilyapti. Uchinchidan, o'sha gripp va shunga o'xshash boshqa yuqumli kasalliklarga gumon qilingan bemorlarni shifoxonalarga yotqizish uchun bugungi kunda davolash profilaktika muassasalarini tayyorgarligini ta'minlash, bemorlarni davolash uchun dori-darmonlar va dezinfeksion moddalar zaxirasi to'la yaratilgan va eng muhimi, Xitoy Xalq Respublikasidan kelayotgan yo'lovchilar orasida gripp kasalligini og'ir turlariga gumon qilingan barcha bemorlar aniqlanganda laboratoriya tashxis uchun namunalar olish tashkil etilyapti.
shu bilan birgalikda o'sha mutaxassislar tomonidan uchuvchilar, bort va temir yo'l kuzatuvchilarini bilim saviyasini oshirish maqsadida gripp va yuqumli kasalliklarni klinikasi, laboratoriya tashxisi, profilaktik va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar to'g'risida keng tushuntirishlari o'tkazilyapti. Va bir og'iz so'z bilan aytganda, O'zbekistonda hozircha bunaqa yuqumli kasalliklarni kirib kelishi va tarqalishiga xavotir yo'q. Bugun mana shu sohada olib borilayotgan mana shunaqa chora-tadbirlar bunga albatta qat'iy ishonch uyg'otadi deb aytishimiz mumkin.